अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो बहुत बहुत। तो जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे इतना सज धज कि मैं किधर जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही, बस थोड़ा सा बच्चों को बाहर आउटिंग कराने लेके जा रही हूँ। तो आज जो है ना 14 अगस्त है, तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी कुछ पाकिस्तान के झंडे की तरह कुछ सज धज के बाहर निकलूँ। तो आज जो है ना, मैंने ये ग्रीन वाला सूट पहन लिया, वाइट मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ये पहन लेते हैं। तो आप लोग सुनाएं आप लोग की 14 अगस्त कैसी गुजर रही है, और आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है। और मेरा गबलू भी था, क्या मतलब गबलू, मेरा छोटा सा, इसने सब ने जो है ना वाइट ड्रेस पहना है और मैंने ग्रीन पहना है। तो मिलवाती हूँ बच्चों से भी, इसको बस एप्पल कटवाना है, कब से 1 घंटे से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो इसको जाना पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त वाला ड्रेस पहना है। दीमा भाग के शर्मा के, इसके जब से बाल कटे हैं ना, ये बहुत शर्माती है। ये जब भैया अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा शर्मिला बेटा अस्सलाम वालेकुम। इधर तो देखते हैं बड़ों के पास, इधर देखो, हेलो कैसे हो, इधर दिखाओ शक्ल तो दिखा दो। अच्छा, ये ऐसी सीरियस रहता मेरा बेटा और खामोश भी रहता है। तो बस जनाब, ये रही फासिया, फासिया ने भी वाइट ड्रेस पहना हुआ है, ये अपने कज़न से बात कर रही है बस। जी जनाब, तो हम लोग जो है ना घर से रवाना हो चुके हैं, और वो रहे बच्चे हमारे साथ। अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं किया, बस हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोग को ज़रूर लेके चलूँगी, अगर आप लोग चलेंगे तो। जनाब बच्चे बड़े खुश हैं आज, बहुत ज़्यादा खुश हैं, हर जगह देखें ग्रीन और पाकिस्तान का झंडा, कभी नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे से बच्चे प्यारे प्यारे से ड्रेस पहन रहे हैं। तो जनाब हम लोग जो है ना निकले हैं बाहर, और ये कोई खूबसूरत सा मंजर जो कि मैंने अपने वीडियो में कैप्चर करने के लिए जो है ना, मैं बेताब हो रही थी और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप गाड़ी रोकें, यहाँ पर जो है ना हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का झंडा, बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा। और ये है पेट्रोल पम्प, ये भी काफ़ी सजा हुआ है माशाल्लाह से। और ये देखें जनाब कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा परचम, हमारा परचम बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर देखें ट्रैफिक जाम है, और सामने देखें लकी वन नजर आ रहा है, और बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत सी है ना। लकी वन की एक अलग ही बात है, इसमें कभी मैं गई नहीं हूँ, जाने का प्रोग्राम है, देखें कब जाएंगे, कभी प्रोग्राम बनाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी इंशाल्लाह। और इन्होंने लाइटिंग भी देखें ग्रीन एंड वाइट वाली लुक रखी हुई है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। आज भी काफ़ी चहल कदमी है बाहर माशाल्लाह से, हर कोई जो है ना 14 अगस्त बहुत अच्छे से मना रहा है। वाइट एंड ग्रीन, कितना खूबसूरत सा मंजर है, यहाँ गोल्डन लाइट्स। हम लोग जब से घर से निकले हैं ना, अभी मेरी शक्ल लाल लाल नजर आ रही है, क्योंकि सारी बत्तियां ही बत्तियां जल रही हैं यहाँ पर, और हेडलाइट्स वगैरह उसकी शेड पड़ रही है मेरे फेस पर। तो बहरहाल मैं ये बता रही हूँ, हम लोग जब से निकले हैं ना इतना कोई ट्रैफिक है, हम लोग बड़े आराम आराम से, ऐसा लगता है कि 1 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुंचे। कौन सी जगह है ये, मुझे मलिक नाम मुझे नहीं आता, नेशनल स्टेडियम। अच्छा नेशनल स्टेडियम, हम लोग जा रहे थे दो दरिया पे, मेरे हस्बैंड हमें लेके जा रहे थे, मगर हमारे बच्चों ने बोला नहीं मामा हमें जाना है पीएफ म्यूजियम। तो बच्चों ने कहा कि हमें पीएफ, तो जाहिर है बच्चों की पहले माननी पड़ेगी। और मेरे हस्बैंड का मूड था कि हम लोग दो दरिया जाएं, और दो दरिया में कभी नहीं गई हूँ। तो अभी बहुत सारा ट्रैफिक है, देखिए जी बहुत सारा ट्रैफिक, पीछे भी ट्रैफिक आगे भी ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक। देखें लिखा हुआ है तेरे शहर के लोग भी कितने जालिम हैं, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। पहले हम लोग ट्रकों के पीछे देखा करते थे ये सारी चीजें, ट्रकों के पीछे हम लोग जो है ना पढ़ते थे और मजा आता था। अभी भी हम लोग गाँव जाते हैं ना, तो ट्रक के पीछे बहुत सारी चीजें लिखी होती है,
अताउल्ला की तस्वीरें भी बनी हुई होती है ना, पेंटिंग की भी होती है, और अभी इस पे मुझे मजा आ रहा था पढ़ के, मैंने सोचा आप लोग को जरूर शेयर करूं। और ट्रैफिक में फंस गए हम लोग बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से। देखे आज लग रहा है सारा 14 अगस्त की आजादी आज के दिन ही सारे मनाने वाले हैं। अच्छा ये बच्चा अपनी माँ के ऊपर बैठ के ना, कंधों पर बैठ के डांस कर रहा है। मैं इसको तकरीबन 1-2 मिनट से काफी देर से देख रही थी, और हम लोग 1 से 1.5 घंटा हो गया हम लोग इसी रोड पे फंसे पड़े हैं बहुत बुरी तरीके से। आज जश्न आजादी कम लग रही है मुझे। आज हम लोग आजाद तो घर से हो गए मगर यहाँ आके हम लोग कैद हो गए सड़क पर। हम अपनी पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे, अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से वापस जाते हैं, वापस मुड़ के ना टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इतना कोई ट्रैफिक है तो जाहिर है वहीं जा रहा है सारा ट्रैफिक, अंदर भी जगह नहीं होगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग थोड़ा वापस की साइड पे हम लोग वापस चले जाएं, और फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, बस कुछ ना कुछ बच्चों को खिला पिला के फिर घर जाएंगे। मूड हो गए खराब, क्योंकि जहाँ हम लोग 1 से 1.5 घंटा पूरा एक जगह पे हम लोग खड़े रहे रास्ते में, थक चुके थे। कोई ट्रैफिक इतना था, कोई आवाम इतनी थी, ऐसा लगता कि पूरा पाकिस्तान एक ही जगह आ गया हमारा। कभी 14 अगस्त मैंने बाहर नहीं मनाई, आज फर्स्ट टाइम लाइफ में बाहर निकली हूँ 14 अगस्त के लिए, मगर मैं ऐसा समझे कि 1.5 घंटा मेरा दिमाग यूं ही घूम रहा था। तो हम लोग वापस टर्निंग लिए और इनका हो गया मूड खराब बच्चों का, तो अब जो है ना इनका मूड ठीक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या करने, इतनी देखो आवाज कितनी कम हो रही है इनकी, क्या करने, हाँ पिज्जा खाने। इतना इतनी छोटी सी आवाज निकाल रहे हैं, वरना घर में इतनी बड़ी बड़ी आवाजें होती है इनकी। पाकिस्तान पाकिस्तान किसी की कोई आवाज नहीं है आज। देखे लाइफ में 14 अगस्त मैंने आज ऐसी मनाई है ना, ये मेरे लिए बहुत यादगार लम्हा होगा। हम लोग अभी अभी जो है ना घूम फिर रहे हैं, घूम फिर किस तरह रहे मैं आपको बताती हूँ। वो एक मिसाल सुनी है, जितना दिखोती उतना अनखलोती। तो हम लोग अपने ही यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पर रश हो रहा है, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे वेटिंग है। तो अभी हम लोग पिज्जा मैक्स आए तो यहाँ पे भी बहुत रश है, यहाँ पे भी वेटिंग लगा पड़ा है। तो जनाब हम लोग ये देखें, सारे हमारी शक्लें उतरी पड़ी हैं, हमारी बेइज्जतियाँ हुई हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा समझे कि मैंने जिंदगी में इतनी बेइज्जती महसूस नहीं करी। 14 अगस्त पे हम लोगों ने बहुत बेइज्जती महसूस करी, शक्ल आप इसकी देख सकते हैं, इंसल्ट हो रही है हर जगह हमारी इंसल्ट हो गई है। 14 अगस्त वाले दिन हाँ हर जगह वेटिंग। अभी भी हम लोग यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए, बहुत रश है बहुत। मेरा जिंदगी में पहला और आखिरी तजुर्बा फेल गया, और आज के बाद मेरे तौबा मैं कभी ना निकलूंगी ऐसे त्योहारों पे, क्योंकि आज मैं निकली हूँ बच्चों को लेके वो भी, और बच्चे भी बेचारे बहुत डिसहार्ट हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं। देंगे
एमएक्स को अल्लाह हाफिज कहने के बाद, और ये देखें ये क्राउडनेस देखें, रश शोर शराबे, आज बड़ी एंजॉयमेंट है, मगर जिनको भूख लगी है ना उनकी एंजॉयमेंट को सबको जो है ना बड़ा बुरा हाल है। और अब जो है ना हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज हम लोगों ने जितना एंजॉय बेइज्जती होने में किया है ना, लाइफ में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और आज से मेरी तौबा, ये बाहर निकलूं मैं कहीं, आज मेरी वाट लग गई है, वाट उसको इंडिया में भी बोलते हैं, पाकिस्तान में भी बोलते हैं, जब बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाए ना उसको बोलते हैं वाट लग गई। तो आज मेरी सही की वाट लग गई है। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज मेरी वीडियो आप लोगों के पास बहुत देर से पहुंचने वाली है, वो इसीलिए पहुंचने वाली है कि क्योंकि हम लोग खुद मिट्टी खुआर हुए पड़े हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कल स्कूल जाना है? हाँ कल स्कूल भी जाना है भाई, और अब जाना तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है, कल स्कूल 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं। तो बस हम लोग जो है ना अब घर की तरफ जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, और सुबह स्कूल है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बोलो, अल्लाह हाफिज।